गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ, आज अपन पढ़ेंगे साइंस। साइंस में अपन चैप्टर नंबर फाइव पे थे, ये स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसमें अपन ने एटम्स देखा था, अपन कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे जैसे अल्टीमेट पार्टिकल। एटम क्या होता है? एटम देखिए, ए एटम, देखिए एटम, ए टम, ए का मतलब नो, टम का मतलब फर्दर, डिवाइडेड, अल्टीमेट का मतलब होता है लास्ट। तो एटम वो होता है जिसको, जैसे एक इतना मटेरियल है, इसको आपने तोड़ा इतने सारे टुकड़ों में तोड़ा, लास्ट में आपको कितना इतना सा पीस मिलेगा उसको भी आपने, और तो एटम वो होता है जो उससे ज्यादा क्या, उससे आगे स्टेज में अपन इसको विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, उससे ज्यादा अपन इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते। एनी थ्योरी विच अकाउंट्स फॉर अ ग्रेट ऑब्जर्वेशन डील विद अल्टीमेट नेचर ऑफ मैटर। देर आर टू पॉइंट्स, देखिए आइदर मैटर इज कंटिन्यूस और इट इज डिसकंटिन्यूस, या तो मैटर कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। डेट इज आइदर द प्रोसेस ऑफ, जैसे इसने कहा कि जैसे मैटर को अब आगे, एटम को आगे डिवाइड नहीं कर सकते। अल्टीमेट पार्टिकल क्या होता है? एटम। The process of subdivision of a substance can be continued without limit or else progressive subdivision leads to an ultimate particle. अगर आप किसी मैटर को डिवाइड करते जाओ लास्ट में एक स्टेज आएगी क्या है, अल्टीमेट पार्टिकल, उसे एटम कहा जाता है। इन फैक्ट दिस अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर ऑफ वन काइंड, एक जैसे जो होंगे पार्टिकल्स उसे एटम कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था अपन घर बनाते हैं, घर में अपन क्या यूज करते हैं, ब्रिक्स यूज करते हैं। तो देखिए ब्रिक्स के बिना तो घर बनेगा नहीं, तो ब्रिक क्या हुई, वो अल्टीमेट पार्टिकल हुआ, तो उसे इसे वो एटम अपन कह सकते हैं। अब एटम अपन ने देखा एटम होता है क्या है, अब एटम का कैरेक्टर कैसा होता है, तो ये देखिए कैसे पता चला कि ये न्यूट्रल है। द अल्टीमेट पार्टिकल इज अनचार्ज, दैट इज न्यूट्रल। अल्टीमेट पार्टिकल अनचार्ज है मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं होगा तो ये न्यूट्रल होगा। द न्यूट्रल कैरेक्टर ऑफ अल्टीमेट पार्टिकल कैन बी विजुअलाइज इन मैग्नीशियम फ्लैश फोटोग्राफिक बल्ब। मैग्नीशियम फ्लैश फोटोग्राफिक बल्ब से पता चला कि इसका जो है न्यूट्रल कैरेक्टर, इन बल्ब इफ टू एलिमेंट्स वर हैविंग द अपोजिट चार्ज, अगर देखिए जो अपोजिट चार्ज होते हैं अगर दो चीज़ों का, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दे मस्ट हैव डिस्चार्ज देमसेल्व्स विदाउट पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो जब एक दूसरे का अपोजिट चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, जैसे खत्म कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे एक दूसरे को विदाउट पासिंग इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बिना। अगर ऑन द अदर हैंड देखें तो अगर दोनों का चार्ज सेम होगा तो क्या होगा, दे शुड हैव रिपेल्ड ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, जब सेम चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेंगे ईच अदर एंड कुड नॉट मीट, तो कोई एक दूसरे से ये कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएंगे। सिंस नथिंग हैपेंड Like above speculative observations, one can safely assume that atomic particle of element does not contain charge. तो इसलिए पता चल गया कि जो ये है इसके अंदर चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं है, इससे पता चला कि ये जो कैसा है, न्यूट्रल है। अब मॉडल ऑफ एन एटम, एटम का मॉडल कैसा है, मतलब कैसा दिखता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो कुछ थ्योरीज आई थी। फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स मैन हैज बीन क्यूरियस टू फाइंड द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर, एशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स बिलीव्ड दैट अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर वॉज एन एटम। जो एशियंट और ग्रीक फिलोसोफर्स थे उन्होंने कहा कि जो एटम क्या है, अल्टीमेट पार्टिकल है, वो एटम है। अब देखिए इंडियन जैन फिलोसोफर्स, ठीक है, तो इंडियन जैन फिलोसोफर्स थे, डेट्स बैक एट लीस्ट टू द टाइम ऑफ अर्ली फिलोसोफर, द मैटर वॉज नॉट डिफाइंड सिग्निफिकेंटली अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसोफर्स। इनके अनुसार देखिए क्या होता है, पुटगला, पुटगला का मतलब होता है बॉडी, एक जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है, इज मेड अप ऑफ सम, मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल
एंड इनविजिबल पार्टिकल्स किससे बनी होती है? एक बॉडी इनडिविजिबल मतलब उसको आके डिवाइड नहीं कर सकते, और इनविजिबल का मतलब है क्या है, वो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो एक बॉडी किससे बनी होती है? इनडिविजिबल और इनविजिबल स्मॉल पार्टिकल्स से, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु का मतलब क्या होता है? एटम। द मीनिंग ऑफ परमाणु एज स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब ये होता है, जैन फिलोसफी इज अल्टीमेट पार्टिकल एटम, दिस व्यू स्टिल फाइंड प्लेस इन जैन फिलोसफी लिटरेचर। इन्होंने भी यही कहा था कि जैसे जो अल्टीमेट पार्टिकल होता है, अल्टीमेट पार्टिकल एटम, जिसका मतलब क्या है, इनडिविजिबल और इनविजिबल पार्टिकल है, जिसे एटम कहा जाता है, एटम और परमाणु। अब देखते हैं ग्रीक फिलोसोफर्स ने क्या थ्योरी दी नियरली 2500 ईयर्स अगो। द फेमस ग्रीक फिलोसोफर्स, क्या नाम है इनका, लिसिपस एंड डेमोक्रिटस एंड एपिक्यूरस, बिलीव दैट द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर वाज यूनिफॉर्म अनडिस्ट्रक्टेबल पार्टिकल। उन्होंने क्या कहा था, अनडिस्ट्रक्टेबल पार्टिकल है ये। डेमोक्रिटस कॉल देम एटम्स, उन्होंने इसे एटम का नाम दिया अनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब जिसको अगर आप आगे अपन डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब भी, इनका मतलब भी देखिए इनडिविजिबल था, इसका मतलब भी क्या है, इनडिविजिबल। तो ये ग्रीक फिलोसोफर्स की थ्योरी थी। अब मैं कन्नड मॉडल ऑफ एटम, बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरीज एडी द ग्रीक, द ग्रेट एंड डिस्टिंग्विश्ड फिलोसोफर्स थे, देखिए फाउंडर ऑफ वैशिष्क सिस्टम ऋषि कन्नड अटेम्प्टेड टू डेवलप अ कॉन्सेप्ट टू आइडेंटिफाई द बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। कौन से साइंटिस्ट थे? ऋषि कन्नड। कन्नड बिलीव्स, कन्नड का मानना था डेट ऑल फिजिकल, जितने देखिए फिजिकल सब्सटेंसेस होते हैं, पंच तत्व आपको पता ही होगा, अर्थ वाटर फायर, ही एम्फसाइज्ड डेट। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जैसे सारे एलिमेंट्स जो बने होते हैं किससे होते हैं, अनडिस्ट्रक्टेबल पार्टिकल्स, उन अनडिस्ट्रक्टेबल पार्टिकल्स उन्होंने अणु का नाम दिया था। इन्होंने परमाणु कहा, ये अणु कह रहे हैं। ये सजेस्टेड दैट देज आर इनएक्टिव एंड मोशन लेस, इन्होंने कहा कि ये कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं और मोशन लेस होते हैं। अणु बिकम एक्टिव बाय गॉड्स विल, ये अणु कब एक्टिव होंगे, भगवान की ईश्वर की इच्छा से ही ये एक्टिव होंगे। हाउएवर दिस वाज ओनली अ फिलोसॉफिक स्टोरी, इससे क्या थी, फिलोसफी थी, मतलब कि ये क्या थी, आध्यात्मिक थी। दो देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ डिबेट अमंग द फिलोसोफर्स इन एशियंट पीरियड, बट द पीरियड बिटवीन 1200 टू 1800 एडी टू 1800 एडी विटनेस द डिक्लाइन ऑफ थॉट्स एंड लाइक अदर फिलोसोफर्स आइडियाज ऑफ ग्रीक फिलोसोफर्स गॉट लॉस्ट। इन द लेट 18th सेंचुरी आते आते केमिस्ट ने कुछ जैसे नंबर ऑफ कंपाउंड डिस्कवर किए कंबाइनिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस एलिमेंट्स। तो वो जो सेकेंड लॉ अपन ने पढ़ा था ना कि कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में ही वो एलिमेंट्स बनते हैं, तो उन्होंने इस रिजल्ट, इसके ऊपर कुछ थ्योरी दी। देखिए, अ सिग्निफिकेंट रिजल्ट दैट एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ देयर मास टू फॉर्म अ कंपाउंड लेड अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग वॉज द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल। वाटर इज ऑलवेज फाउंड टू कंटेन 8 times मोर ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। वाटर जो H2 होता है वो हमेशा क्या होता है, हाइड्रोजन एटम जो होगा, ऑक्सीजन एटम जो होगा हाइड्रोजन के 8 times ज़्यादा होगा उसका मास। तो ये जो उन्होंने कहा था कि हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में ही एलिमेंट्स फॉर्म्ड होते हैं। नो एक्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी वॉज एबल टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। दूसरी कोई थ्योरी इनको समझा नहीं सके थे, तो उन्होंने यही थ्योरी मान ली, ठीक है। एट द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, फिर 19th सेंचुरी में जॉन डॉल्टन आए थे, वो क्या थे, ब्रिटिश केमिस्ट। उन्होंने अपनी थ्योरी दी कि जैसे कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं। लेटर दिस आइडियाज बिकेम फेमस, फिर उसके जो आइडियाज किस फेमस पड़ गए, किस नाम से, डाल्टन एटोमिक थ्योरी, इसे डाल्टन एटोमिक थ्योरी कही जाती है। अब डाल्टन एटोमिक मॉडल, उसने क्या क्या जैसे बताया था, तो इन 1803 की बात है, एंड इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन, ये इंग्लिश टीचर थे, इन्होंने एक मॉडल बनाया। दिस इंक्लूड द लॉज ऑफ, इसमें देखिए इसने जो मॉडल बनाया था उसमें दोनों लॉज थे, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड डेफिनेट कंपोजिशन एज लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसके देखिए पोस्टुलेट्स हैं, ये पोस्टुलेट्स आपको हमेशा याद रखने हैं, ये आगे जाके बहुत काम आएंगे, आपके पोस्टुलेट्स हमेशा लाइफ लॉन्ग ये आपको याद रखने पड़ेंगे।
डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मैटर इज कम्पोज ऑफ एटम्स, जितना भी मैटर है वो किससे बने हैं, एटम से बने हैं, एटम्स के नॉट बी सब डिवाइडेड, एटम को क्या अपन आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एटम्स के नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय, नई एटम्स को आप क्रिएट कर सकते हो और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज शेप एंड मास एंड एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन साइज शेप एंड मास। तो देखिए एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी जैसे ये मान लीजिए इस एलिमेंट के एटम्स क्या होंगे, सारे सेम होंगे, लेकिन एटम्स ऑफ इस एलिमेंट मान लीजिए ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, देखिए ये एलिमेंट, इसके एटम सारे एक जैसे होंगे, इसके एटम्स भी क्या होंगे, सारे एक जैसे होंगे, लेकिन इसके और इसके एटम अलग होंगे, ठीक है, शेप में अलग हो सकता है या साइज में हो सकता है या मास में अलग हो सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के जो एटम्स की प्रॉपर्टीज अलग होगी दूसरे एलिमेंट के एटम्स से। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट डेट कम्बाइन विद द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड, दिस इज वाई द कंपोजिशन बाय मास ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज ऑलवेज द सेम फ्रॉम इज मॉन्यूमेंटल डिस्कवरी। डाल्टन इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एटोमिक थ्योरी, फादर ऑफ मॉडर्न एटोमिक थ्योरी किसे कहा जाता है, तो ये डाल्टन था, इसने देखिए क्या कहा था, ये जो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन था कि कोई भी एटम अगर फॉर्म होता है तो उसका कॉन्स्टेंट रेशियो होता है, और इसकी इसी डिस्कवरी के कारण इसे देखिए क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब देखिए नोट, मोस्ट ऑफ द असम्पशन मेड बाय द डाल्टन इन हिज एटॉमिक थ्योरी हैव बीन कंट्रक्टेड बाय दिस मॉडर्न रिसर्च, लेकिन इसने जितने भी असम्पशंस दिए ना अब क्या हो रहे हैं, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, मतलब विपरीत हो रहे हैं मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग देखे तो। बट इज स्टेटमेंट दैट एटम इज अल्टीमेट यूनिट ऑफ मैटर दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज स्टिल वैलिड, लेकिन ये इतने पोस्टर्स में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, लेकिन इसकी एक बात अभी तक यही है कि जैसे जो एटम क्या है अल्टीमेट पार्टिकल होता है मैटर का, जो कि क्या है दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है वो अभी भी क्या है वैलिड है, ये स्टिल वैलिड है। फिर है एटम्स आर टू बी स्मॉल टू सीन इवन विद पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, एटम्स इतने स्मॉल होते हैं कि उसको जैसे कि देखने के लिए क्या चाहिए, पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए भी, एंड इट इज लाइट वेट इवन विद मोर सेंसिटिव बैलेंस, ये लाइट होता है वेट में, मतलब जितना सेंसिटिव बैलेंस होगा ना, कितना भी सेंसिटिव बैलेंस उससे भी क्या है आप उसको वेट नहीं कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेज टू अंडरस्टैंड डाल्टन्स एटम इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखते हैं। Following the Dalton's atomic theory in 1803, a series of development led to the modern theory of atomic structure in 1833. Michael Faraday showed that there is a relation between electricity, matter and matter. Matter और electricity में क्या relation दिया था, कौन था, Michael Faraday. Faraday, this was the first major breakthrough to suggest that atom was not a simple individual particle of all matter but was made up of. तो अब इन्होंने क्या कहा कि atom जो क्या है वो अल्टीमेट पार्टिकल नहीं है, उसको आगे भी पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड किया गया है, तो वो स्मॉल पार्टिकल्स कौन से, देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एटम वाज फर्दर रिवील्ड, अब कुछ डिस्कवरीज हुई, देखिए एक्सपेरिमेंट किए गए थे, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज, डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज, डिस्कवरी ऑफ रेडियोएक्टिविटी, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।